पंजाब के लोगों दी मंगां नूं मुख रखते हुए बहुत सारे पंजाब पक्षी फैसले लै गए, जिन्हां विचों कुछ प्रमुख फैसले मैं अपना साझे कर रहा हाँ। पंजाब के अंदर मिल्क फैड वेरका वेरका डिपार्टमेंट के अंदर जिहड़ा कि पंजाब का एक अहम डिपार्टमेंट आ, जिहदे विच लगभग पिछले 5 साल के उत्तों 500 तो वध असामिया पिछले 5 साल दौरान 500 तो वध असामिया खाली हो जाने गियां और सारिया असामिया सीधी भर्ती राही असी प्रवानगी दी आ कि 500 असामिया ग्रुप सी अते डी दियां मिल्क फैड डिपार्टमेंट जिहड़ा हैगा वह भरूगा। मैं समझदा इहदा वेरका डिपार्टमेंट के अंदर होर पारदर्शिता आऊगी, वेरका डिपार्टमेंट का मिल्क फैड का जिहड़ा कारोबार आ वह होर वधूगा और 500 असामिया अज कैबिनेट ने प्रवानगी दी आ और ग्रुप सी ते डी दी जिहड़ी आ ये सीधी भर्ती राही भरिया जाणगियां और इहदे नाल मैं समझदा साडे पंजाब के नौजवान वर्ग नूं खास करके साडे नौजवान मुंडे कुड़ियां नूं जिहड़े पंजाब के अंदर जॉब करना चाहते हैं एक बहुत बड़ा एक मौका मिलेगा। मैं गल साझी कर रहा कि जो भी कोई पंजाब की कैबिनेट की मीटिंग होंगी आ हरेक मीटिंग के अंदर जो भी एक कोई भी अज तक मीटिंग हुई है हरेक मीटिंग के अंदर पंजाब सरकार ने सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई के अधीन हर मीटिंग के अंदर पंजाब के नौजवानों के लिए रोजगार के मौके मुहैया करवाए जाते हैं, चाहे पोस्टा 500 हो चाहे 700 हो चाहे 1000 हो चाहे 10,000 हो चाहे 20,000 हो, हर बार असी पोस्टा जड़िया वह अनाउंसमेंट करते हैं। सो अज जी 500 असामिया मिल्क फैड असी प्रवानगी दी है ताकि जो मिल्क फैड अदारा गा वो अंदर मुलाजमान की कोई घाट ना रहे। सो इस दे नाल ही पंजाब सिविल सैक्रटेट जिथे आप बैठे हाँ सारे इस दे अधीन भी इत्थे जिहड़ियां 150 दे करीब सेवादार दियां असामियां जिहड़ियां प्रवानगी दित्ती गई, इहदे नाल ही 23 पोस्टां चौकीदारां दियां जिहड़ियां बदली दे अधीन भरियां जाणगियां, पर लेकिन 150 असामियां सेवादार दियां सी जिहड़ियां ने वह नवीं भर्ती करन दी प्रवानगी दित्ती है, क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता गा कि पिछले 5 साल तां कोई पंजाब दे लोक इत्थे आउंदे नहीं सीगे, लगभग सैक्रटेट बंद रहिंदा सीगा और सारे मुख्यमंत्री साहब भी लोगों मिलते सके और माननीय मुख्यमंत्री साहब तो लैके साडे सारे मंत्री साहबान लगातार हर रोज़ जो भी इत्थे कदे मीटिंग होंदी आ जां अपना कामकार होंदा गा लोगों को मिलते सी। सो ये बहुत भारी जिहड़ी मंग सीगी। सो अज 150 असामियां जिहड़ियां नेगियां उन्हां दी जिहड़ी रचना की गई आ और 150 असामियां जिहड़ियां ने वो इस डिपार्टमेंट के अंदर सैक्रटेट के अंदर जिहड़ियां ने वो सेवादारां दीआं भरियां जाणगियां। और इस तों बिना अज एक अहम फैसला होया गा कि पंजाब जिहड़ा डायरैक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जिहड़ा है कॉलेजों का नाम बदल के डायरैक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन किया गया, जिहड़ा पुराना नाम सीगा उहदा नाम बदल के अज डायरैक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन करन दी जिहड़ी प्रवानगी आ वह अज मानयोग मुख्यमंत्री साहब की अगवाई दी कैबिनेट ने दित्ती हैगी। सो इह भी एक अहम फैसला पंजाब के लोगों लई होया गा। और इस तों बिना होर अहम फैसले होए ने कि जिहड़ी एक नवीं एक असी खास करके जिहड़ियां रजिस्ट्रेशन होंदियां सीआं ट्रांसपोर्ट दे अंदर बहुत बड़ा अहम फैसला होया गा। स्क्रैपिंग पॉलिसी जिहड़ी आ उहदे अधीन जिहड़ियां नवीं गड्डियां दी रजिस्ट्रेशन जिहड़ी आ उह कीती जाऊगी और उहदे विच असी टैक्स दी छोट दित्ती आ और पुरानियां गड्डियां जिन्हां दे करके मैं समझदा काफ़ी सारे किते ना किते बहुत सारे एक्सीडेंट भी होंदे सीगे, बहुत सारा कितने ला एंड ऑर्डर की पोजिशन भी कई बार क्रिएट कर देंगे सके उत्थे भी कोई ना कोई हडल क्रिएट करते अधीन जोड़ा है पुरानिया गड्डियां स्क्रैप किया जाऊगा और नवी गड्डिया जो आनगियां जोड़ा भी मालक पुरानी ग्डी स्क्रैप कराऊगा ज उस स्कीम के अधीन लैके आऊगा तो और असी टैक्स के अधीन भी असी छोड़ देवे जो रजिस्ट्रेशन टैक्स के अंदर छोड़ देवे ताकि स्कीम जी 8 साल तक और जड़िया दूसरिया गड्डिया नेगिया और 15 साल तक स्कीम का फायदा लै सकते हैं। सो विस्तार तहत मैं तुम्हें बाद कन्फर्म मेरा कहना पर नवी जी एक स्क्रैप की पॉलिसी असी लैके आएंगे। इस तो अलावा एक बहुत ही अहम फैसला जिहड़ा कि अज पंजाब दे मैं समझदा साडे बच्चों के पक्ष के अंदर साडे जिहड़े बच्चे स्कूलों खास करके सरकारी स्कूलों पढ़ रहे हैं उन्होंने अंदर स्कूलों की साफ सफाई लैके स्कूलों की सिक्योरिटी लैके स्कूलों के अंदर जिहड़े
उत्थे स्कूलों का प्रबंध करने के लिए वो तीन जिहड़ियां सी वख-वख कैटेगरी तहत अज पंजाब सरकार ने फैसला किया गया कि सांभ संभाल यकीनी बनाउण दे लई असीं जिहड़ी सफाई नूं सुरक्षा नूं लैके उहदे विच असीं प्रवानगी दित्ती आ कि उत्थे व्यक्ति जिहड़े ने भर्ती किए जाणगे जिहड़ियां स्कूल दीआं मैनेजमेंट कमेटियां नेगियां वो प्रबंध करनगियां और जिथे उहनां दी संख्या मैं समझदा 33 करोड़ रुपया अलग अलग पैसे असीं जारी किए ने गे ताकि उत्थे सफाई का प्रबंध हो सके और सफाई के नाल नाल जिहड़ा उत्थे सिक्योरिटी का उहदा जिहड़ा प्रबंध हो सके। सो इस दे नाल लगभग पंजाब के अंदर 14,000 के करीब असिधे रूप के अंदर लोगों नूं रुजगार के मौके प्रदान होणगे और स्कूलों के अंदर सफाई सेवक चौकीदार और स्कूल का प्रबंध चलाउण दे लई जिवें प्रिंसीपल नेगे इहदे नाल ही असीं स्कूल दे इक प्रबंध किया गया ताकि उत्थे जिहड़े होर काम नेगे सिर्फ अध्यापकों तो अध्यापकों का काम ही लिया जाए जिहड़े दूजे काम नेगे उन्होंने देखण दे लई असीं प्रबंध किया गया इहदे लई इक वक्खरा बजट बनाया गया ताकि आने वाले समय के अंदर स्कूलों के अंदर सिर्फ अध्यापक जिहड़ा अध्यापन का काम कर सकन और स्कूलों की साफ सफाई जिहड़ी आ वो अच्छे तरीके हो सके ये अहम फैसले अज्ज दी जिहड़ी कैबिनेट के अंदर होए आउटसोर्स नहीं जिहड़ियां स्कूलों दी मैनेजमेंट कमेटियां नेगियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां नेगियां वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां जिहड़ियां ने प्रबंध करनगियां उन्हां दे अंदर असीं वख-वख कैटेगरी बनाई आ कि पैसे असीं देवांगे उन्हां स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां नूं वो अपने लैवल ते प्रबंध करनगियां ताकि आने वाले समय पहलां तां तुहानूं सभ नूं पता है कि पंजाब दे अंदर ना सफाई सेवक सीगे ना चौकीदार सीगे वो अज पहली बार होया गा कि पंजाब दे अंदर असीं चौकीदार भी और सफाई सेवक भी उन्हां दी भर्ती दा काम जिहड़ा हैगा ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੀ ਮਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਮਰ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੀ ਜਿਹਦਾ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ 14,000 ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਬੈਕਡੋਰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਲੈਣਗੇ ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। नहीं जी इस तरह की कोई नहीं जी अब मैं तुम्हें दसे ने कि इन्ह सारे मुद्दों के उत्ते जी नहीं जी इस तरह की कोई चर्चा नहीं होगी। मैं तुम डिटेल ना फिर दूजे भी रहेगी मैं डिटेल तो दे देना जी प्रेस नोट जारी कर देना डिटेल दे के की उस स्क्रैप का डिटेल दे बिल्कुल सख्ती भी की जाऊगी क्योंकि रोडों के उत्ते सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाऊगा कई तो 25-25 साल पुराने 30-30 साल पुराने कोई जिहड़े चल रहे हैं कि उन्होंने बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होंगे ने और ये जो पॉलिसी लागू होगी तो मैं समझता जो रोड एक्सीडेंट का उस भी बहुत भारी कमी होगी। देखो जिहड़े जिहड़े फेक नंबर वाले ने उन्होंने कार्रवाई होनी ही होनी हैगी पर लेकिन जिहड़ियां पुरानियां कंडम हो चुकियां गड्डियां 20-25 साल पुरानियां जिहड़ियां मैं समझदा सड़कां ते चलण दे योग ही नहीं हैगियां वो सारियां खत्म हो गईयां। बिल्कुल उस पॉलिसी दी टाइम फ्रेम कीता कोई डिटेल च करी कमर्शियल गड्डियां भी होणगियां नॉन कमर्शियल गड्डियां भी होणगियां दोनों प्रकार दी गड्डियां। विधानसभा दा सैशन अजे तक 18 रस्मी तौर ते हाँ जी रोड टैक्स के रिलीफ देवे जेडे उस पॉलिसी के दिन अपनी गड्डिया समय सिर स्क्रैप कर मान लो पुरानी गड्डी स्क्रैप कर दागा जे किसी ने अपनी मरुति की गड्डी कोई स्क्रैप की है तो जो मरुति की गड्डी दोबारा लेगा तो उदो अधीन जोड़ा 5 से लेकर 15% जी असी टैक्स के छोट देव देखो करप्शन के अगेंस्ट पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नूं पंजाब के लोगों ने भारी प्रचंड बहुमत इस करके दिता सीगा और साडा नारा सीगा कि पंजाब विचों करप्शन जिहड़ी आ उहनूं खत्म करांगे और उस दे अधीन लगातार माननीय मुख्यमंत्री साहब की अगवाई के अधीन लगातार करप्शन के अगेंस्ट मुहिम साडी जारी आ और जिथे भी किते पुराने समय च करप्शन हुई आ जां कोई हुण करूगा चाहे वह साडा चाहे बगाना
उसके खिलाफ सरकार जी सख्त एक्शन लेगी। ये तुम्हें पता गया कि जो असं आपोजिशन के अधीन आए थे जो पिछले पांच साल आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर आपोजिशन की भूमिका निभा रही थी, उदों इशू जोड़ा है साढ़े वालों पंजाब की विधानसभा के अंदर भी चुकया गया और लोगों से भी लैके गए थे। और उस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार सी, कांग्रेस पार्टी क्योंकि लगातार भ्रिष्टाचारियों को बचाती है, खुद एक भ्रिष्टाचार की जमात आ गई, सो उस दे अधीन उन्होंने भ्रिष्टाचारियों को बचाया सीगा। सो अज उन्होंने भ्रिष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन हो रहा। कोई भी व्यक्ति जिन्हें पंजाब का खजाना लुटिया, पंजाब के लोग लुटे ने गे, उन्होंने वख्या नहीं जाऊगा जी। जेड़े जेड़े इशू आए ने गे लगातार वेट करो, सब के खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि कई बार समा लग जाता है फाइलों फरोल, फाइलों काफ़ी लंबिया ने गियाँ, बड़े इन्होंने गुंजलदार तरीके अपनाए हुए हैं कि वो सारे गुंजलदार जिहड़ियां गठ्ठा इन्होंने करप्शन कर करके की बनिया हो जाने ना, पंडा बनिया ने पैसों दी और फाइलों गठ्ठा दिखाई हो जाने, वो खुल रही हैं और सख्त तो सख्त कार्रवाई।